हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूँ आरती गुप्ता और आज हम एक बर्थडे बुके बनाने वाले हैं जो हम स्पेशली गर्ल्स के लिए बनाते हैं। और उसके लिए मैंने एक वेस्ट यहाँ पर राउंड बोर्ड लिया है। आप चाहें तो सिंपल कार्डबोर्ड को राउंड में फोल्ड कर सकते हैं। अब हमें इसे कवर करना है एक शीट के साथ। शीट आप कोई भी ले सकते हैं, सिंपल सा जो गिफ्ट रैपिंग पेपर है वो भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर काइट पेपर लिया है, पतला होता है काफ़ी, इसलिए मैंने उसको डबल में फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसे रैप करना है इसके पूरे सरफेस पे। तो मैंने यहाँ पर सेलो टेप का यूज़ किया इसको पेस्ट करने के लिए। आप सिंपल ग्लू या फिर ग्लू गन का यूज़ भी कर सकते हैं। अंदर की साइड हमने इसके एक्स्ट्रा पेपर को फोल्ड कर दिया और नीचे हम कार्डबोर्ड से इसको बंद कर देंगे। अब अगर आपके पास सर्कल में कुछ नहीं है तो आप स्क्वेयर कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, उस पर भी ये बहुत सुंदर बनता है। अभी ये पर्पल कलर में मैं बना रही हूँ तो मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन में पिंक कलर लिया है। आप येल्लो का थीम भी ले सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। इसको भी मैंने इसके नीचे इस तरह से मैंने डबल करके फोल्ड करके टेप से यहाँ पर पेस्ट किया है। बहुत इजी है इसे बनाना, हमें लगता है कि डिफ़िकल्ट है, बट कभी आप ट्राई करके देखिए तो बहुत सुंदर लगता है और गिफ्टिंग पर्पज़ से भी बहुत अच्छा आपके पास एक मटेरियल रेडी हो जाता है। अंदर हम इसको हाइट देने के लिए जो भी हम इसमें प्रेजेंट रखेंगे उसके लिए न्यूज़पेपर हम इसमें डालेंगे और कुछ हम इसमें डालेंगे थर्माकोल के पीसेस। आप चाहें तो इसमें और भी न्यूज़पेपर ही फिल कर सकते हैं इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए। और लास्ट में हम इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड से इसको बंद कर देंगे ताकि हमारे पास एक प्लेन सरफेस आ जाए। और इसे आप बहुत जल्दी भी बना सकते हैं, अगर लास्ट मिनट आपको किसी के लिए गिफ्ट रेडी करना है तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। प्लेन सरफेस हमारा हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर चार बैम्बू स्टिक्स ली हैं और एक बहुत ही प्यारा सा मेरे पास रिबन है लीव्स वाला, और इसको मैंने पिंक कलर में परचेज किया है। ये आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं। और इसको रैप कर देंगे हम इस स्टिक के आसपास ग्लू गन की हेल्प से। अब अगर आपके पास ये रिबन नहीं है तो आप सिंपल पिंक कलर का रिबन जो होता है, सैटिन रिबन, आप वो भी ले सकते हैं, या कोई पिंक कलर का पेपर या शीट भी इस पर पेस्ट कर सकते हैं तो उससे भी बहुत प्यारा लुक आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल किस तरह का है। इसको लास्ट वाले कॉर्नर को भी सील कर देते हैं और ये हमारी स्टिक एक बन के रेडी हो गई। चलिए इसी तरह से बाकी की स्टिक्स भी बना लेते हैं। बहुत ही यूनिक आइडिया है और इसमें आप, जैसा कि मैं स्टेशनरी का यूज़ करूँगी, ड्राइंग स्टेशनरी हम लोग सब लेंगे यहाँ पर, आप इसकी जगह पर पूरा चॉकलेट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए अभी जहाँ पर एक पार्टीशन नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं लगा देती हूँ सेम रिबन जो हमने अपनी स्टिक्स पे लगाया था। ये भी ग्लू गन की हेल्प से आप लगा लीजिएगा बहुत इजीली और बहुत अच्छे से लग जाएगा आपका। और इसमें आप कुछ कटिंग्स लगा सकते हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं गर्ल से रिलेटेड। बॉयज़ के लिए बनाना है तो आप ब्लू थीम लेके भी इसको बना सकते हैं। चलिए ये हमारा पेस्ट हो गया और एक मैं ऊपर की साइड पेस्ट करूँगी, वो बाद में करते हैं, पहले स्टिक्स को लगा लेते हैं। कार्डबोर्ड के आसपास थोड़ी थोड़ी सी जगह बची है जिस पर मैंने इन स्टिक्स को लगा दिया है और बाद में मैं इन्हें ग्लू गन से पूरा अच्छे से पक्का कर दूँगी ताकि हमारी स्टिक्स बिल्कुल भी हिले ना। तो हमारा बेस रेडी हो गया है ये। अब हम इसके अंदर जो भी मटेरियल, जो भी गिफ्ट आइटम्स हम इसमें डालना चाहते हैं वो हम ईज़िली इसमें रख सकते हैं। एक बॉक्स रेडी हो गया है, ऊपर हम लगाएंगे इसके बैलून। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे से स्टिक हो गया है। और ये मेरे पास कुछ स्केच पेंस हैं और ये कनेक्टर्स के साथ आपको मार्केट में मिल जाते हैं और ये अराउंड 280 और 300 की रेंज में आपको मिल जाते हैं और काफ़ी सारे इसमें कलर्स होते हैं। देखिए एक पैकेट से ही पूरा का पूरा हमारा रोल बन गया है। तो ये मैंने सेंटर में लगाया है। ये ऊपर एक और हम यहाँ पर रिबन लगा लेते हैं सेम। इसी तरह से मैं आपको और भी बुके डिज़ाइंस अपने चैनल पर शेयर करती रहूँगी। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप हमें लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहें। देखिए थोड़ा थोड़ा हम इस पर ग्लू गन लगा के स्टिक्स को पक्का कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से, यहाँ पर आपको गिफ्ट पे कोई भी ग्लू गन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कनेक्टर्स इसमें लगे हुए हैं, इजीली स्टिक हो जाएंगे। अगर आपके पास पेंसिल कलर्स हैं तो आप उसके जो बॉक्स है उसके बाहर भी इसको स्टिक कर सकते हैं। कुछ और स्टेशनरी आइटम्स हैं मेरे पास जो मैं इसके अंदर
पुट करने वाली हूँ, और उसको डालने से पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा थर्माकोल डाल दिया है ताकि हमारी जो स्टिक्स हैं वो ईजिली इंसर्ट हो जाएं थर्माकोल के अंदर और इनको थोड़ा बैलेंस करने के लिए जगह मिल जाए। ये देखिए इस तरह से। और इनको पेस्ट करने के लिए, स्टिक के साथ पेस्ट करने के लिए मैंने सेलो टेप का यूज़ किया है। एक्स्ट्रा जो भी आप इसमें डालना चाहें, जैसे मैं बिस्किट्स डाल रही हूँ या कोई भी अगर आप कैंडीज़ वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और ये मेरे पास एक केक टॉपर है, इसको हम फ्रंट में लगा लेते हैं। तो इसी तरह की कुछ डेकोरेटिव एक्सेसरीज आपको मार्केट से मिल जाती हैं, कुछ आप बर्थडे के टैग्स भी ले सकते हैं, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब ये है मेरे पास एक लालटन जिसको हम हॉट एयर बैलून की तरह यूज़ करेंगे। पिंक शेड में है, आपको पता है मार्केट में बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं इसके, हम घर को सजाने के लिए इनको यूज़ करते हैं। मैं दिवाली के लिए लाई थी बट अब मैं इनको ये बुके बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से जैसा मैंने आपको बताया बॉयज़ का भी बना सकते हैं, और बॉयज़ की थीम के लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही प्यारा बैलून्स का एक बुके बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने चारों किनारों पर फ्लावर्स लगा दिए हैं। यहाँ पर ये पियोनी फ्लावर्स हैं और हमारा बैलून बहुत अच्छे से ये यहाँ पर टिका रहेगा जब हम इन सब चीज़ों को इसमें एडजस्ट कर देंगे। तो आप चाहें तो मेरी तरह, जैसा कि मैंने सामने एक रिबन लगाया है, यहाँ पर गिफ्ट रिबन है, तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ कटिंग्स हैं बेबी की, गर्ल की, बारबी की, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हमारा बुके बिल्कुल बनके रेडी हो गया है, स्टेशनरी बुके, और आप इसमें चॉकलेट्स डाल सकते हैं और किसी को गिफ्ट करेंगे तो बहुत सुंदर लगता है। आप भी अपने घर पे इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये बुके अच्छा लगा हो, ये आइडिया अच्छा लगा हो, तो हमें YouTube, Facebook और Instagram पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। Instagram का लिंक आप हमारी वीडियो के नीचे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।